का हमारे YouTube चैनल में और आज हम क्लास 10 हिस्ट्री से पहला चैप्टर करने वाले हैं द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सन 1857। शुरू करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से कि व्हाट वाज द नेचर ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बिफोर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो किस तरह का नेचर था विरोध प्रकट करने का, जो विरोध प्रकट हुआ था ब्रिटिशर्स के खिलाफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले। तो जो रिवोल्ट है अगेंस्ट द ब्रिटिश बिफोर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिड नॉट पोज अ सीरियस चैलेंज एज द रिबेलियंस वेयर लोकल स्कैटर्ड एंड आइसोलेटेड। जो रिवोल्ट हुई, विरोध हुआ ब्रिटिशर्स के खिलाफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले, उसने नुकसान नहीं पहुंचाया ज्यादा, क्योंकि जो विद्रोह करने वाले थे वो लोकल थे और वो बिखरे हुए थे और वो अकेले थे। इसलिए दिस रिवोल्ट एस्टेब्लिश्ड अ लोकल ट्रेडिशन ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। अब लेकिन ये जो जंग थी, इस जंग ने क्या किया, इस जंग ने एक परंपरा बना दी, भाई लड़ना है किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज वॉर ऑफ 1857 हेल्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 की जो लड़ाई थी उसको जो है स्वागत किया गया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरह, तो ऐसा क्यों किया गया। इट एम्ब्रेस द होल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विदाउट एनी कास्ट एंड क्रीड, क्योंकि इस जंग ने पूरे के पूरे हिंदुस्तान को गले लगा लिया, सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, बिना किसी कास्ट और क्रीड को देखते हुए, यानी किसी जातिवाद वगैरह को देखे बिना। ठीक है, फिर इसके बाद इट वॉज नॉट अ लोकलाइज्ड वन, ये लोकलाइज्ड भी नहीं था। इन दिस रिवोल्ट, इस विद्रोह में नॉट ओनली आर्मी पर्सनल पार्टिसिपेटेड बट इंडियन सिविलियन ऑल्सो थ्रू देमसेल्फ इनटू दिस स्ट्रगल टू गेट रिड ऑफ द फॉरेन रूल। इसमें जो आर्मी पर्सनल था सिर्फ वही नहीं गया, बल्कि सिविलियन यानी जो नागरिक थे वो भी इसके अंदर कूद गए इस स्ट्रगल में कि हमको आजादी चाहिए भाई, फॉरेन रूल को हटाना है। दिस रिवोल्ट गेव अ रियल थ्रेट टू द ब्रिटिशर्स, और ये जो रिवोल्ट था इसने जो है रियली में थ्रेट दिया, डर पैदा किया किसके अंदर, ब्रिटिशर्स के अंदर। मेंशन टू पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दो राजनीतिक कॉजेज क्या थे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के। पहला था उनका पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंड करने का, टेरिटोरियल एक्सपेंशन की पॉलिसी उनकी, और दूसरा डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर की बेइज्जती, उनका सम्मान न करना। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द टू वेज इन विच द ब्रिटिश एक्सपेंडेड देयर टेरिटोरियल पावर इन इंडिया। देखो दो लिखा है लेकिन चारों हमने लिख दिया है इसमें। द वेज इन विच ब्रिटिश एक्सपेंडेड देयर टेरिटोरियल पावर इन इंडिया आर, फर्स्ट वन है बाय आउटराइट वॉर, बाय द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, बाय अडॉप्टिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ एलिज्ड मिसरूल। डायरेक्ट लड़ाई करके, सब्सिडियरी अलायंस यानी कि आर्मी वो प्रोटेक्शन देके, और फिर उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स यानी नेचुरल हेयर नहीं है तो भी ऑटोमेटिकली स्टेट जो है ब्रिटिशर्स के अंडर में आ जाएगा, और अगर कोई मिस गवर्नमेंट हो रहा है, मिस रूल हो रहा है, तो भी ब्रिटिश उस पर कब्जा कर लेंगे। अब ये मिस रूल वाले में कोई एविडेंस वगैरह की जरूरत नहीं है, अगर उनको लगता है तो लगता है, वो चाहेंगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द सब्सिडियरी अलायंस नेम टू इंडियन स्टेट ब्रॉट अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल यूजिंग द सब्सिडियरी अलायंस। अब ये सब्सिडियरी अलायंस क्या था और कौन कौन से स्टेट थे जिसको कि लेके आया गया सब्सिडियरी अलायंस के तहत अपने अंडर में ब्रिटिशर्स लाए। तो सब्सिडियरी अलायंस है क्या, सम इंडियन स्टेट्स वेयर ब्रॉट अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल विदाउट एक्चुअली एनेक्सिंग देम, बिना एक्चुअली उसको एनेक्स किए, उस पर कब्जा किए, उसको अपने अंडर ला दिया गया। दिस वॉज डन बाय द फॉलोइंग सब्सिडियरी अलायंस, ये होता ही सब्सिडियरी अलायंस से था जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड वेल्सले के द्वारा। अंडर दिस सिस्टम द इंडियन रूलर्स हु एग्रीड ऑन द सब्सिडियरी अलायंस, इस सिस्टम के अंदर जो हिंदुस्तानी रूलर्स हैं वो एग्री करेंगे किन बातों पे, कि एक्सेप्टेड द ब्रिटिश एज द सुप्रीम पावर, ये वो ये मानेंगे कि ब्रिटिश सबसे सुप्रीम पावर पे हैं। सरेंडर्ड देयर फॉरेन रिलेशन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड एग्रीड दैट दे वुड नॉट एंटर एनी into any alliance with any other power and would not wage war. अच्छा, वो सरेंडर कर देंगे अपना बाहरी रिश्ता ईस्ट इंडिया कंपनी को, और इस बात पे सहमत हो जाएंगे कि वो किसी और के साथ, किसी और पावर के साथ अलायंस में नहीं जाएंगे, यानी जुड़ाव नहीं करेंगे अपना, और किसी भी तरह की जंग की शुरुआत नहीं करेंगे। एग्रीड टू मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप्स एट देयर ओन कॉस्ट, और वो इस बात पे भी सहमत होंगे कि ब्रिटिश की जो आर्मी है उसका सारा खर्चा वो उठाएंगे, अब वर्चुअली अपना इंडिपेंडेंस यानी आजादी हो देंगे। टू इंडियन स्टेट्स वेयर हैदराबाद इन 1978 और अवध था 1801, ये हैदराबाद 1978 में इन्होंने कब्जा किया सब्सिडियरी अलायंस के
तहत और अवध 1801 में, इन दो स्टेट को इन्होंने अपने अंदर में ले लिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द टर्म डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स टर्म क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है। और नेम द टू स्टेट्स एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश यूजिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और दो स्टेट के नाम बताने हैं जो ब्रिटिशर्स ने यूज किया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अपने वो कब्जे में लेने के लिए, एनेक्स करने के लिए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी मीन दैट व्हेन अ रूलर ऑफ अ डिपेंडेंट स्टेट डाइड विदाउट अ नेचुरल हेयर द स्टेट पास्ड बैक टू द हैंड ऑफ द इंग्लिश। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये कहता है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसको पारित किया गया था कि अगर कोई राजा डिपेंडेंट स्टेट का मर जाता है बिना अपने नेचुरल हेयर के, यानी कि अडॉप्टेड वगैरह नहीं चलेगा, उसका खुद का अपना खून यानी कि अपना खुद का नेचुरल हेयर नहीं रहेगा, तो जो स्टेट है वो वापस पास हो जाएगा इंग्लिश मैन के हाथों में, ब्रिटिशर्स के हाथों में। सतारा 1848 में और झांसी 1853 में और नागपुर 1854 में, ये कुछ स्टेट्स हैं जो ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर लिए इसी जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हु वाज नाना साहेब, नाना साहेब कौन थे, व्हाट वाज हिज मेन ग्रीवेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश, और उनका क्या शिकायत था, क्या दुख था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। द लास्ट पेशवा बाजीराव सेकंड हैड अडॉप्टेड नाना साहेब एज हिज सन। लास्ट पेशवा बाजीराव सेकंड जो थे उन्होंने अडॉप्ट किया था नाना साहब को अपने बेटे की तरह। बट द ब्रिटिश रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज नाना साहेब एज द रूलर ऑफ द मराठा, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे ना उन्होंने इनको जो है रूलर मानने से इनकार कर दिया मराठा का। ही वॉज पेंशनड ऑफ टू फार अवे बिथुर, उनको पेंशन पे रख दिया गया और फार अवे बिथुर भेज दिया गया। नेक्स्ट है, विच पॉलिसी वॉज यूज बाई लॉर्ड डलहौजी अगेंस्ट रानी लक्ष्मीबाई, वाई डिड रानी लक्ष्मीबाई बिकम अ बिटर एनिमी ऑफ द ब्रिटिश, कौन सी पॉलिसी को, नीति को इस्तेमाल किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ, और रानी लक्ष्मीबाई क्यों जो है कट्टर दुश्मन बन गई ब्रिटिश की। लॉर्ड डलहौजी यूज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी अगेंस्ट द रानी लक्ष्मीबाई, लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाली नीति आजमाई यूज की रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ। द एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अराउज्ड अ ग्रेट डिसकंटेंट टू रानी, अब इससे जो है बहुत ज्यादा नाखुश हुई और बिल्कुल जो है कि नाराज किया उसने रानी ऑफ झांसी को। व्हेन आफ्टर द डेथ ऑफ द रूलर ऑफ झांसी, क्योंकि जब रूलर झांसी के मर गए तो देयर अडॉप्टेड सन आनंद राव वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज लेजिटिमेट सक्सेसर टू द थ्रोन, गद्दी का उत्तराधिकारी नहीं माना गया उनके अडॉप्टेड सन को, तो इसीलिए जो है और वो पूरी की पूरी जो है स्टेट को एनेक्स कर लिया गया, झांसी को एनेक्स कर लिया गया, तो यही वजह थी कि जिससे कि रानी जो है कट्टर दुश्मन बन गए ब्रिटिशर्स की। क्वेश्चन नंबर 9 कि स्टेट टू अनाउंसमेंट विच एडवर्सली अफेक्टेड इन मुगल डायनेस्टी इन इंडिया, दो ऐलान जिससे कि मुगल डायनेस्टी में बहुत बड़ा जो है इफेक्ट आया। तो इन 1856 लॉर्ड कैनिंग अनाउंस दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर हिज सक्सेसर वुड नॉट बी अलाउड टू यूज द इंपीरियल टाइटल एंड डिग्निटीज विद देयर नेम। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह जफर के डेथ के बाद उनके जो उत्तराधिकारी हैं उनको अलाउ नहीं किया जाएगा कि इंपीरियल टाइटल्स वगैरह अपने इस्तेमाल कर सकें या अपना डिग्निटी इस्तेमाल कर सकें नाम के साथ। तो ये चीज थी, ये अनाउंसमेंट जिसने जो है बहुत ज्यादा अफेक्ट किया मुगल डायनेस्टी को इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 10, मेंशन एनी टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एनेक्सेशन ऑफ अवध, अब जो अवध पे कब्जा हुआ तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुआ, रिजल्ट क्या आया। द पीपल ऑफ अवध हैड टू पे हायर लैंड रेवेन्यू एंड एडिशनल टैक्सेस ऑन फूड हाउसेस फेरीज एंड जस्टिस, अब जो लोग थे अवध के उनको ज्यादा रेवेन्यू देना पड़ रहा था, एडिशनल और बढ़े हुए टैक्स दे रहे पड़ रहे थे खाने पीने के ऊपर, हाउसेस के ऊपर, न्याय के लिए। नवाब ऑफ अवध आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू थाउजेंड ऑफ नोबल ऑफिशियल एंड सोल्जर्स आउट ऑफ जॉब, नवाब जो था अवध आर्मी का एंड एडमिनिस्ट्रेशन का उसने थ्रू किया। अब जो नवाब थे अवध आर्मी के और जो एडमिनिस्ट्रेशन थे उसने जो है बहुत सारे हजारों नोबल्स को, ऑफिशियल्स को और सोल्जर को जो है जॉबलेस कर दिया। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टेट एनी टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसबैंडिंग ऑफ द आर्मीज ऑफ द एनेक्स्ड स्टेट बाय द ब्रिटिश, दो कॉन्सिक्वेंसेज रिजल्ट क्या हुए डिसबैंड करने के आर्मीज को
जो कि एनेक्स्ट किए गए थे स्टेट। तो डिसॉल्यूशन ऑफ नवाब ऑफ अवध आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन 3000 ऑफ नोबल ऑफिशियल एंड सोल्जर्स आउट ऑफ जॉब। अब ये जो डिसबैंड किया गया आर्मी को, वो जो अभी इससे पहले वाला आंसर आपने देखा, बिल्कुल उसमें जब डिसबैंड किया गया तो इससे जो है बहुत सारे हजारों नोबल ऑफिशियल ऑफिस में काम करने वाले सोल्जर्स वगैरह ये सारे के सारे जॉबलेस हो गए। द ब्रिटिश कॉन्फिस्केटेड द स्टेट्स ऑफ तालुकदार और जमींदार। अब जो ब्रिटिश थे उन्होंने कब्जा कर लिया सारी स्टेट्स, तालुकदार के या जमींदार की सारी जमीनें वगैरह सब कब्जा कर ली इलाका। द डिसपोसेस्ड तालुकदार बिकेम ओपोनेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। अब ये जो नाराज तालुकदार थे ये ओपोनेंट बन गए ब्रिटिश रूल के, यानी ब्रिटिश रूल के खिलाफ हो गए, विद्रोही बन गए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि गिव द मीनिंग ऑफ द एब्सेंटी सॉवरेनिटी, व्हाई वाज इट रिसेंटेड बाय द इंडियन। अब देखो इससे जो है नाखुश क्यों थे इंडियंस, और ये मीनिंग क्या है एब्सेंटी सॉवरेनिटी। एब्सेंटी सॉवरेनिटी का मतलब किसी सुप्रीम पावर का ना होना, सुप्रीम का ना होना, सबसे टॉप पे जो हो उसका ना होना। तो एब्सेंटी सॉवरेनिटी का मतलब है इट मींस दैट इंडिया वाज बीइंग रूल्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम इंग्लैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1000 माइल। अब देखो इंडिया को रूल कर रहा था कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ब्रिटिश गवर्नमेंट कहाँ पे, इंग्लैंड में बैठा हुआ है, और वो हजारों मील दूर से कर रहा है। द इंडियंस फेल्ट दैट इंडियाज वेल्थ वाज बीइंग ड्रेन्ड टू इंग्लैंड एंड नॉट यूटिलाइज्ड फॉर देयर वेलफेयर। अब भाई गवर्नमेंट यहाँ है नहीं तो हम लोगों के लिए कुछ कर नहीं रही है, तो इंडिया का जो वेल्थ है सिर्फ और सिर्फ खत्म किया जा रहा है, बिल्कुल इसको निचोड़ के ले जाया जा रहा है, इंग्लैंड ले जाया जा रहा है, और हम लोगों के किसी भी भलाई के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो इससे जो है इंडियंस बिल्कुल नाखुश थे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्हाट वेयर द एप्रीहेंशंस ऑफ द इंडियंस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। अब ये देखो डर क्या था, भय क्या था, किससे, रेलवेज से, किसके अंदर, हिंदुस्तानियों के अंदर। तो हिंदुस्तानियों के अंदर किस तरह का जो है डर वगैरह, खौफ वगैरह था, इसको लेके आशंका किस चीज की थी। द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज प्रूव टू बी अ मेजर इंपॉर्टेंट रिलीजियस फैक्टर दैट पाव्ड द वे टू द अपराइजिंग ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसने रास्ता बनाया, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज ने बड़ा एक बहुत बड़ा फैक्टर था, रिलीजियस फैक्टर, जिसने कि रास्ता बनाया विद्रोह का, 1857 वाले विद्रोह के लिए रास्ता बनाया। इट वॉज लुक डाउन अपॉन एज मीन्स टू ब्रेक सोशल ऑर्डर एंड कास्ट रूल। ये इस तरह से देखा गया लोगों के अंदर कि अरे यार ये जो हमने सामाजिक ऑर्डर बनाया हुआ है और ये जो हमने जातिवाद वाले रूल वगैरह बनाए गए हैं इसको ये रेलवे ब्रेक करती है। पीपल ऑफ ऑल कास्ट हैव टू सिट टूगेदर इन रेलवे कंपार्टमेंट। अरे यार ये कैसी बात है कि सारे के रेलवे कंपार्टमेंट के अंदर हर किसी को एक साथ बैठना पड़ेगा। दिस वॉज रिगार्डेड एज एन अटेम्प्ट टू इंटरफेयर विद द कास्ट रूल। अब लोगों को ये लगा कि यार हमारा जो रिजिड कास्ट सिस्टम है इसके अंदर ये क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं इसको। तो इसलिए जो है ये एक बहुत बड़ा कारण बड़ा अपराइजिंग में। मेंशन एनी टू सोशल रिफॉर्म्स एडवोकेटेड बाय ब्रिटिश व्हिच अफेक्टेड द रिलीजियस ट्रेडिशन ऑफ द इंडियन पीपल। दो कोई सामाजिक बदलाव जो जिसकी ब्रिटिशर्स ने वकालत की, जिसने अफेक्ट किया रिलीजियस ट्रेडिशन को हिंदुस्तानियों के, उसमें सबसे पहला है सती सिस्टम एंड नो परमिशन टू विडो फॉर रीमैरिज वाज प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। सती सिस्टम था, सती सिस्टम मतलब अगर पति मर गया है तो बीवी को भी उसके चिता पे, पायर पे जो है जलते हुए चिता पे कूद जाना होगा, और विधवाओं की दोबारा शादी ना होनी, ये सब चीजें सोसाइटी के अंदर पहले से थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द विडो रीमैरिज एक्ट इन 1856 एंड सती सिस्टम वाज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय पासिंग एन एक्ट। अब देखो क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास कर दिया, कानून पास कर दिया कि विधवाओं की दोबारा शादी हो सकती है 1856 में, और जो सती सिस्टम था यानी पायर पे लेटने वाला सिस्टम था उसको बिल्कुल इलीगल कर दिया गया इस एक्ट को पास कर, एक एक्ट पास करते हुए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मेंशन एनी थ्री मेजर्स विच पॉइंट टू द पॉलिसी ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन फॉलोड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। तीन मेजर बताओ जो पॉइंट आउट करते हैं कि नीति थी ब्रिटिशर्स की कि समाज के अंदर भेदभाव फैलाया जा सके ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो पहला है कि ब्रिटिश कंटिन्यूड देयर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। पहली चीज तो ब्रिटिश ने अपना पॉलिसी डिवाइड जो है फूट डालो राज करो वाला जो है नीति अपनाए रखा था। They believed in their racial superiority and they thought that a distance was to be maintained to preserve their authority over Indians. वो ये समझते थे कि भाई जातिवाद में एक रेस में हम लोग इनसे बहुत आगे हैं, ये हिंदुस्तानी हमसे बहुत पीछे हैं, तो हमारे इनके बीच में दरमियान में एक फासला होना चाहिए, तो हम लोगों को अपनी डिग्निटी वगैरह मेंटेन करनी होगी, हम लोगों को अपने आप को ऊंचा रखना होगा इनसे।
They cleverly used the attraction of government services to create a split along religious lines among educated Indians. और उन्होंने जो है बहुत बुद्धिमता से जो है अट्रैक्शन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, वो जो है गवर्नमेंट सर्विसेज में जो अट्रैक्शन है उसको इस्तेमाल किया ताकि जो है लोगों के अंदर, पढ़े लिखे लोगों के अंदर, एजुकेटेड इंडियंस के अंदर जो है फूट डाल सकें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, गिव टू एग्जांपल टू शो हाउ द ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। दो एग्जांपल बताने की किस तरह से ब्रिटिशर्स ने पूरा शोषण किया, लूट लिया रिसोर्सेज इंडिया का। इंडिया वॉज मेड टू एक्सेप्ट रेडीमेड ब्रिटिश गुड्स आइदर ड्यूटी फ्री और एट नॉमिनल ड्यूटी रेट। अब हिंदुस्तान को जो है फोर्स किया जा रहा था कि भाई तुमको रेडीमेड ब्रिटिश गुड्स लेना है, ड्यूटी फ्री लेना है, और या फिर बहुत ही मामूली से नॉमिनल ड्यूटी रेट पे लेना है। वाइल इंडियन प्रोडक्ट वेयर सब्जेक्टेड टू हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज इन इंग्लैंड, और जो हिंदुस्तानी चीजें थी उनको सब्जेक्ट किया गया था हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज, मतलब बहुत सारा तुमको इम्पोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल, बंगाल पे कब्जा करने के बाद द ब्रिटिश स्टॉप्ड गेटिंग गोल्ड इनटू इंडिया। अब ब्रिटिश ने जब कब्जा कर लिया बंगाल पे, तो अब वो इन जो है इम्पोर्ट के बदले में गोल्ड लाना भी बंद कर दिए। दे बिगेन टू परचेज रॉ मटेरियल फॉर देयर इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड फ्रॉम द सरप्लस रेवेन्यू ऑफ बंगाल एंड प्रॉफिट फ्रॉम ड्यूटी फ्री इनलैंड ट्रेड। अब वो जो ड्यूटी फ्री इनलैंड ट्रेड करते थे जमीन से जमीन, उससे जो फायदा हो रहा था और जो सरप्लस बंगाल से मिल रहा था, इन्हीं पैसों से अब वो रॉ मटेरियल खरीदने लगे अपने इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज के लिए, तो वो सोना लाना भी बंद कर दिया अपने यहाँ से। तो इस तरह से उन्होंने इन रास्तों से एक्सप्लॉइट किया पूरी रिसोर्सेस को इंडिया के। गिव टू ग्रीवेंसेस ऑफ द पीजेंट्री अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब किसानों की क्या शिकायतें थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो द पीजेंट्स वर डिसकंटेंटेड विद दर ऑफिशियल लैंड रेवेन्यू पॉलिसी एंड द कंसिक्वेंट लॉस ऑफ देयर लैंड। अब जो किसान थे वो बिल्कुल नाखुश थे ऑफिशियल लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, ऑफिशियल लैंड रेवेन्यू नीति जो थी उसके वजह से, और लगातार जो है वो अपनी जमीनें खो रहे थे। इट वॉज द पीजेंट्री दैट बोर द हैवी बर्डन ऑफ एक्सॉर्बिटेंट टैक्सेस टू प्रोवाइड मनी फॉर द ट्रेड एंड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ये कोई और नहीं बल्कि खुद किसान ही थे जिनके ऊपर सारा बर्डन था एक्सॉर्बिटेंट, मतलब बहुत हाई लेवल के टैक्सेस का, और ये प्रोवाइड कर रहे थे पैसा किसके लिए, ट्रेड के लिए, प्रॉफिट के लिए, कंपनी को प्रॉफिट भी दे रहे थे। अब कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था उसका सारा खर्चा इन्हीं के ऊपर था। एंड द वॉर्स ऑफ द ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया, और जो ब्रिटिश एक्स इंडिया के अंदर भी वॉर लड़ते थे उन सबका भी खर्चा किनके ऊपर जाके गिरता था, इन पीजेंट्री के ऊपर, है ना, इन्हीं के ऊपर टैक्स वगैरह बढ़ा दिए जाते थे। नेक्स्ट है व्हाट डिड द ब्रिटिश डू टू रिड्यूस द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी टू पॉवर्टी। अब ब्रिटिश ने क्या किया रिड्यूस करने के लिए लैंडेड एरिस्टोक्रेसी को पॉवर्टी पे, तो द ब्रिटिश इकोनॉमिक एक्सप्लाइटेशन, डीके ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज, हाई टैक्सेशन, द ड्रेन ऑफ वेल्थ, स्टेग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एक्सप्लाइटेशन ऑफ पुअर पीजेंट रिड्यूस द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी टू पॉवर्टी। अब ये जो इनके पास कुछ लोगों के पास जमीन थी ना, वो जो थी वो भी इन्होंने क्या किया, वो सारा का सारा इन लोगों ने, हाँ, वो जो सारी की सारी जमीन वगैरह थी ना वो भी ये लोग जो है खोने लगे। अब ये जो उच्च वर्ग था, एरिस्टोक्रेसी वाला वर्ग था, जिनके पास जमीनें थी, वो खोने लगे और पावर्टी के करीब आ गए। अब कैसे आए, तो भैया पूरी तरह से जो है आर्थिक रूप से पूरा शोषण कर दिया, और पुरानी जो हैंडक्राफ्ट वाली इंडिजिनस इंडस्ट्रीज थी, हैंडक्राफ्ट वगैरह थे, उनको बर्बाद कर दिया, टैक्सेस और बढ़ा दिए, और वेल्थ यहाँ से लूट के ले जाने लगे, और एग्रीकल्चर जो है अब धीरे धीरे कम होने लगा क्योंकि उसको बढ़ावा देने के लिए कुछ कर नहीं रहे थे लोग, और एक्सप्लॉयटेशन करने लगे ये गरीब किसानों का, तो इसकी वजह से जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है वो धीरे धीरे बढ़ गई पॉवर्टी की तरफ। नेक्स्ट है व्हाट वाज द प्रोविजन ऑफ द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट व्हिच वाज रिजेंटेड बाय द इंडियन सोल्जर। अब क्या था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट में जिससे नाखुशी हुई इंडियन सोल्जर्स के अंदर, तो देखो, एंड व्हाई वाज इट रिजेंटेड, लॉर्ड कैनिंग पास द जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट, लॉर्ड कैनिंग ने इसको पास किया था। द एक्ट कॉज्ड बिटरनेस अमंग द सिपाइज। अब इसने जो है ना जहर घोला किसके किनके बीच में, सिपाहियों के बीच में, एज इट बाउंड देम टू बी सेंट टू फाइट टू एन ओवरसीज फ्रंट। अब देखो हुआ क्या कि सिपाहियों को इसमें बाधित करना था, ये मतलब बाध्य करता था सिपाहियों को कि आप समुद्र पार भी जाओगे लड़ने के लिए। द एक्ट वॉज कॉन्ट्रेरी टू देयर रिलीजियस बिलीफ। अब ये बिल्कुल उल्टा था इनके रिलीजियस बिलीफ के, कि
क्योंकि पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर वाज कंड्यूसिव टू एन आउटब्रेक। जो राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक एटमॉस्फेयर चल रहा था, वातावरण चल रहा था, वो बिल्कुल सटीक था आउटब्रेक के लिए, बट इट कुड नॉट इरप्ट एज द इंडियन सोल्जर वेयर लॉयल टू इन द इंग्लिश। लेकिन फिर भी वो आउटब्रेक नहीं हो पाया क्योंकि जो कुछ ऐसे इंडियन सोल्जर थे ना, वो बिल्कुल वफादार थे इंग्लिश मैन के लिए। दो द अबव मेंशन मिलिट्री कॉजेज रोज डिसकंटेंटमेंट अमंग द सिपाइज एज वेल हु स्टार्टेड द रिवॉल्ट। लेकिन इसके बावजूद, कुछ वफादारों के बावजूद भी कुछ ऐसे थे मिलिट्री के अंदर, सिपाइज ऐसे थे जिन्होंने अपनी नाखुशी जाहिर की और वो विद्रोह करना शुरू कर दिए। उससे ये था ना कि इनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा अगर ये समंदर पार जाते हैं तो। इसीलिए इनके अंदर नाखुशी थी कि भाई कौन जाएगा समंदर पार लड़ने। क्वेश्चन नंबर 20, मेंशन एनी टू ग्रीवेंसेस हार्बर्ड बाय द इंडियन सोल्जर्स व्हिच क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर फेवरेबल टू द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब देखो, दो शिकायतें ऐसी हैं जिसने जो है मन में रखा इंडियन सोल्जर्स ने, विच क्रिएटेड एन एटमोसफियर, जिसने कि एक वातावरण क्रिएट किया जो कि फेवरेबल था कि पहला युद्ध हो सके आजादी का। तो सबसे पहला कारण क्या था कि ऑल हायर पोस्ट वेयर रिजर्व फॉर द ब्रिटिश इन इन एम्प्लॉयमेंट। अब भैया जो भी रोजगार है उसके अंदर जितना भी टॉप लेवल का पोस्ट है सब जो है ब्रिटिशर्स के लिए फिक्स कर दिया गया। एन इंडियन सोल्जर कुड नॉट राइज अबव द रैंक ऑफ सूबेदार। एक हिंदुस्तानी सोल्जर कितनी भी कोशिश कर ले सूबेदार से ऊपर नहीं उठ सकता। इंडियन सोल्जर वेयर रिक्वायर्ड टू सर्व इन एरियाज अवे फ्रॉम देयर होम्स विदाउट एक्स्ट्रा पेमेंट एंड एडिशनल भत्ता। एडिशनल भत्ता के लिए फॉरेन सर्विस अलाउंस। अब हिंदुस्तानी सोल्जर जो है उनको दूर दूर जाना पड़ेगा अपने घर से और उनको इसके लिए कोई भत्ता भी नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा। जैसे महंगाई भत्ता मिलता है ना, तो वैसा भत्ता फॉरेन सर्विस अलाउंस नहीं मिलेगा उनको। क्वेश्चन नंबर 21 कि स्टेज टू इफेक्ट्स, स्टेज नहीं स्टेट होगा, स्टेट टू इफेक्ट ऑफ द डिफीट ऑफ द ब्रिटिशर्स ऑफ द फर्स्ट अफगान वॉर एंड द पंजाब वॉर्स ऑन द इंडियन सोल्जर्स। तो आपको बताने हैं दो प्रभाव डिफीट के ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिशर्स जो हारे पहले अफगान वॉर में और पंजाब वॉर में ऑन इंडियन सोल्जर्स। तो पहला है कि दो द ब्रिटिश सप्रेस द संथल अपराइजिंग द डिजास्टर दे सफर्ड ब्रोक द मिथ दैट द ब्रिटिश वेयर इनविंसिबल। तो पहला ये इफेक्ट हुआ कि ब्रिटिश ने सप्रेस कर दिया, भाई दबा दिया संथल अपराइजिंग को। संथल वाले जो उठ रहे थे, आवाज उठा रहे थे, उनको दबा तो दिया लेकिन एक डिजास्टर उनके ऊपर ब्रोक आउट हुआ। भाई एक मिथ्या थी कि इनको कोई हरा नहीं सकता है, ये बिल्कुल अटल हैं, ये इनविंसिबल हैं। तो ये इनसिबल वाली बात जो है खत्म हो गई, इससे ये फायदा हुआ इनको जो डिफीट मिली ब्रिटिशर्स को। तो ये हिंदुस्तानियों के अंदर आया, नहीं भाई इनको भी हराया जा सकता है। इट फर्दर रिवील टू द इंडियन सोल्जर दैट द ब्रिटिश आर्मी कुड बी डिफीटेड बाई द डिटरमाइंड इंडियन आर्मी। अब यहाँ पे जो इंडियन सोल्जर्स की बात हुई है, तो भाई अब इसमें फर्दर जो है ये बात रिवील हुई, यानी बाहर आई कि जो ब्रिटिश की आर्मी है उसको हराया जा सकता है अगर दृढ़ निश्चय से इंडियन आर्मी लड़े तो। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कि इमीडिएट कॉज क्या था, मतलब फौरी कारण क्या था ये आउटब्रेक का, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, आजादी की पहली लड़ाई का। The immediate cause of the uprising was the use of greased cartridges in rifles after biting the end of the cartridges with their teeth. Immediate यानी कि foreign कारण, यानी कि कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से तुरंत आदमी आग बबूला हो जाए, तो वैसा immediate cause क्या था, greased cartridges था। और वो जो grease बनी हुई थी, ये कहा गया था कि ये जो है fat of cow and pig से बनी हुई है। It was thought that the cartridges were greased with fats and cow pig, यानी सुअर और गाय की चर्बी से बनी हुई है। तो ये बोथ द हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर रिफ्यूज टू यूज दिस कार्टिजेस। तो दोनों ही हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए ये गलत था, तो इसीलिए जो है ये इमीडिएट कॉज हुआ आउटब्रेक का। नेक्स्ट है, हु वाज मंगल पांडे, व्हाट डिड ही डू। मंगल पांडे कौन था और इन्होंने क्या किया, कौन थे इन्होंने क्या किया। तो मंगल पांडे वॉज ब्राह्मीन सोल्जर, एक ब्राह्मीन सोल्जर थे ये, who refused to use the greased cartridge on 29th March 1857 and killed two English officers. तो इन्होंने refuse कर दिया था, मना कर दिया था कि ये greased वाला cartridge नहीं use करना है।
हमको, और 29 मार्च 1857 को इन्होंने दो इंग्लिश ऑफिसर्स को मार डाला। ही वॉज हैंग्ड कंसिक्वेंटली, और इसके बाद ही उनको जो है कंसिक्वेंटली इसके बाद इनको इसके रिजल्ट में इनको फांसी दे दी गई। दिस रिजल्टेड इन अ जनरल अपराइजिंग इन मेरठ, और इससे जो है एक जनरल अपराइजिंग हुआ मेरठ में, दिल्ली में, कानपुर में, लखनऊ में आए और झांसी में, है ना। हर कोई जब जैसे जैसे ये खबर फैलती गई, आग की तरह खबर फैली, और फिर लोगों ने रिवोल्ट करना, और लोगों ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 24, स्टेट टू कंसिक्वेंसेस ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या प्रभाव पड़ा, क्या रिजल्ट हुआ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, आजादी की पहली लड़ाई का, ईस्ट इंडिया कंपनी पे। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया, सिंस द ब्रिटिश स्टेट्समैन थॉट इट अनवाइज टू लीव द गवर्नमेंट ऑफ अ वास्ट कंट्री इन हैंड्स ऑफ अ प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी। अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी थी इंग्लैंड की, तो ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि भाई इतनी बड़ी सरकार है इंडिया की, तो उसको जो है इस प्राइवेट कंपनी वालों के हाथों में छोड़ना सही नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, एंड कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इंडिया के अंदर। ये कंसिक्वेंस था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। फिर हाउ वॉज द आर्मी ऑर्गेनाइज आफ्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, किस तरह से आर्मी को ऑर्गेनाइज किया गया आजादी की पहली लड़ाई के बाद। द प्रोपोर्शन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन सोल्जर वॉज इंक्रीज्ड एंड द डिफरेंट कास्ट एंड क्रीड वेयर मिक्स टू अवॉइड एनी अदर रिवॉल्ट। जो प्रोपोर्शन था ब्रिटिश का इंडियन सोल्जर्स में वो इंक्रीज कर दिया गया, और जो कास्ट क्रीड, अलग अलग कास्ट क्रीड के थे, उनको मिक्स किया गया ताकि कोई दूसरा विद्रोह न पैदा हो सके। क्वेश्चन नंबर 26 की वॉट इम्पैक्ट डिड अपराइजिंग ऑफ द 1857 हैव ऑन द मुगल रूल एंड पेशवाशिप। अब जो अपराइजिंग हो रही थी 1857 की, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ मुगल रूल के ऊपर और पेशवाशिप पे। तो विद द डेथ ऑफ बहादुर शाह सेकेंड हु वॉज डिपोर्टेड टू यंगून, द मुगल डायनेस्टी केम टू एन एंड। बहादुर शाह जफर को भेज दिया गया यंगून, तो डायनेस्टी तो यहाँ पे खत्म हो गई, क्योंकि उनके अंदर अधिकारी को वो टाइटल वगैरह सब छीन ही लिया गया था। नाना साहेब द लास्ट पेशवा हैड टेकन एन एक्टिव पार्ट इन द अपराइजिंग एंड हैड फ्लेड टू नेपाल आफ्टर द फेलियर ऑफ द अपराइजिंग। नाना साहब अपना ऑफिस चला रहे थे, और जो भी पेंशन वगैरह मिल रहा था उससे खर्चा वर्चा कर रहे थे, और इधर उधर जो है लोगों को भेज रहे थे, तो वो भी अपराइजिंग में हिस्सेदारी थी उनकी, लेकिन फेलियर के बाद वो भी नेपाल चले गए। तो इससे जो इनका ऑफिस था नाना साहब का, तो वो दोस्तों द ऑफिस ऑफ पेशवा ऑल्सो केम टू एन एंड, तो इनके जाने के बाद ही इनका ऑफिस भी खत्म हो गया। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया सिंस द ब्रिटिश स्टेट्समैन थॉट इट अनवाइज टू लीव। और इसने जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी वाले रूल को भी खत्म कर दिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने। मेंशन एनी टू ड्रॉबैक ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दो ड्रॉबैक बताने हैं हमको, है ना, कि क्या ड्रॉबैक था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने में आजादी की पहली लड़ाई में। तो पहला ये कि द मूवमेंट डिड नॉट हैव कॉमन प्लान ऑफ मिलिट्री एक्शन ऑन अ सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप। कोई केंद्रीकरण नहीं था, कोई इकलौता लीडर नहीं था सबको गाइड करने के लिए, सबको साथ में लेके चलने के लिए। द अपराइजिंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री वेयर कंप्लीटली अनकोऑर्डिनेटेड। अब ये जो अपराइजिंग है ना, कुछ कुछ टुकड़े टुकड़े में लोग जो है कि अपनी मुखालिफत कर रहे हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, तो ये अनकोऑर्डिनेटेड था, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होके नहीं चल रहे थे। फिर दूसरा, द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड द सर्विसेज ऑफ मैन ऑफ एक्सेप्शनल एबिलिटीज। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ऐसे लोग थे जो एक्सेप्शनल एबिलिटीज के थे, जैसे लॉरेंस निकोलसन, हैवलॉक, आउटरैम, कैम्पबेल एटसेट्रा। अब ये इनको क्यों कहा गया एक्सेप्शनल एबिलिटीज वाला, क्योंकि दे फॉर द टफेस्ट बैटल इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द अपराइजिंग एंड कंट्रोल्ड द सिचुएशन टिल रीइंफोर्समेंट वेयर रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। क्योंकि इन्होंने टफेस्ट बैटल लड़ा, जब शुरुआती स्टेज में ही जब अपराइजिंग हो रही थी, तो इन्होंने सप्रेस कर दिया हर किसी को, सिचुएशन को कंट्रोल किया जब तक कि बाहर से फौज ना आ गई। तो ऐसे लोग हमारे में नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 28, मेंशन टू ग्रीवेंसेस ऑफ द मुगल एम्परर अगेंस्ट द ब्रिटिश, दो शिकायतें मुगल की ब्रिटिशर्स के खिलाफ। 1849 में लॉर्ड डलहौसी अनाउंस्ड दैट सक्सेसर ऑफ बहादुर शाह जफर वुड नॉट बी परमिटेड टू यूज द रेड फोर्ट एज देयर पैलेस। लॉर्ड डलहौसी ने ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह जफर को परमिट नहीं किया जाएगा कि वो लाल किला का इस्तेमाल करे। दे रिक्वायर टू शिफ्ट टू अ पैलेस नियर द कुतुब मीनार, और उसको चाहिए कि वो शिफ्ट हो जाए किस प्लेस पे, इसी ऐसे जगह पे जो नजदीक है कुतुब मीनार के नजदीक किसी जगह पे चला जाए। 1856, लॉर्ड कैनिंग अनाउंस्ड दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर हिज सक्सेसर वुड नॉट बी अलाउड टू यूज द इंपीरियल टाइटल एंड डिग्निटीज विद देयर नेम। अब 1849 के बाद 1856 में
लॉर्ड कैनिंग ने भी ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उनके जो उत्तराधिकारी हैं वो इंपेरियल टाइटल वगैरह डिग्निटी वगैरह अपने नाम के साथ जोड़ नहीं सकते ना, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट एश्योरेंस डिड क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 गिव टू द इंडियन पीपल रिगार्डिंग रिलीजियस फ्रीडम एंड अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स। तो अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आखिर क्या क्वीन ने क्या प्रोक्लेमेशन दिया, क्या ऐलान किया, क्या वादे किए इंडियन पीपल को रिगार्डिंग रिलीजियस फ्रीडम यानी कि धार्मिक आजादी के खिला के लिए, और जो है अपॉइंटमेंट पब्लिक ऑफिसर्स के तहत के लिए जो अपॉइंटमेंट होने थे उसके लिए क्या उन्होंने कहा। तो क्वीन एंड हर प्रोक्लेमेशन जो ऐलान उन्होंने किया उसमें उन्होंने कहा कि 1858 में प्रॉमिस नॉट टू इंटरफेयर विद द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द पीपल, कि भाई हम आपकी आस्था में कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे धार्मिक आस्था में, और ना ही कोई इंटरफेयर करेंगे। रिगार्डिंग पब्लिक अपॉइंटमेंट शी डिक्लेयर्ड दैट द अपॉइंटमेंट वुड बी स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। अब पब्लिक अपॉइंटमेंट के लिए उन्होंने क्या ऐलान किया, उन्होंने कहा कि भाई डिक्लेयर कर दिया कि सारे के सारे अपॉइंटमेंट जो है स्ट्रिक्टली बिल्कुल स्ट्रॉन्गली बेसिस ऑफ एजुकेशन और एबिलिटी यानी कि इंसान की क्षमता और उसकी बुद्धिमत्ता के हिसाब से होंगे। नेक्स्ट है, हाउ डिड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बिकम अ पॉलिटिकल कॉज फॉर द ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857। किस तरह से ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था वो राजनीतिक कारण बना अपराइजिंग में 1857 के। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इफ एन इंडियन रूलर ऑफ अ डिसेंडेंट डिपेंडेंट स्टेट डिड नॉट हैव हिज रियल सन टू सक्सीड हिम, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हिसाब से अगर कोई हिंदुस्तानी रूलर है और उसके डिपेंडेंट स्टेट का यानी कि वो डिपेंडेंट है ब्रिटिशर्स पे और उसके पास अपना खुद का कोई उत्तराधिकारी नहीं है उसके बाद राज करने के लिए, तो ही वॉज नॉट अलाउड टू अडॉप्ट अ सक्सेसर विदाउट कंपनीज कंसेंट। तो वो कोई उत्तराधिकारी अडॉप्ट नहीं कर सकता है बिना कंपनी के साथ कंसेंट किए। एज सच द स्टेट इन क्वेश्चन वॉज एनेक्स्ड, और ऐसे सवाल के घेरों में स्टेट को एनेक्स कर लिया जाएगा बाय दिस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से डॉल हाउजी जो गवर्नर जनरल था इंडिया का 1846 से 56 तक, एनेक्स किया 3 मराठा डिपेंडेंट स्टेट, सतारा, नागपुर और झांसी और कुछ एंड सेवरल माइनर प्रिंसिपलिटीज और कुछ छोटे मोटे सिद्धांत से। नेम टू ह्यूमैनिटेरियन मीजर टेकन बाय द ब्रिटिश व्हिच इनवोक एडवर्स रिएक्शन फ्रॉम द इंडियन मासेस। अब कुछ ह्यूमैनिटेरियन मीजन यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है कि ब्रिटिशर्स ने लिया जिसकी वजह से जो है कि एडवर्स रिएक्शन मिला इंडियन मासेस से। तो इसमें इनका जो मानवीय था कौन था, एक था एबोलिशन ऑफ सती और वो इंट्रोडक्शन जो हुआ था जो विधवाओं की दोबारा शादी का, तो वॉज टू ह्यूमैनिटेरियन मीजर, ये दो मानवीय थे जिसके वजह से जो है कि एडवर्स रिएक्शन मिला इनको इंडियन मासेस से, यानी लोगों ने इसका बहुत बड़े पैमाने पर विद्रोह किया। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट वाज द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ 1856। तो जनरल एनलिस्टमेंट 1856 हमने पहले भी देखा कि दिस वाज पास्ड बाय लॉर्ड कैनिंग, और ये इसमें था क्या, अकॉर्डिंग टू विच एवरी न्यू रिक्रूट अंडरटुक टू सर्विस ओवरसीज लैंड बियॉन्ड सीज इफ ऑर्डर्ड, कि यानी जो भी नया रिक्रूटमेंट होगा अब अगर उनको हुक्म दिया जाएगा तो वो समंदर पार भी जाएंगे ब्रिटिशर्स के लिए लड़ने के लिए। What assurance was given to Indian princess by Queen Victoria in her proclamation of 1858? अब यहाँ पे आपको बताना है कि अपना उन्होंने जो प्रोक्लेमेशन दिया, अब प्रोक्लेमेशन में उन्होंने घोषणा जो की, घोषणा पत्र यानी ऐलान जो भी किया, तो उसमें क्या किया 1858 में इंडियंस के लिए। द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वॉज अबंडेंट, भाई समाप्त कर दिया कि पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन और डॉक्ट्राइन नहीं होगी। इंडियन प्रिंसेस हु हैड रिमेंड लॉयल टू द ब्रिटिश एंड हैड हेल्प्ड देम इन सप्रेसिंग द अपराइजिंग, और वो हिंदुस्तानी राजकुमार जिन्होंने जो है कि अपनी वफादारी दिखाई और सप्रेस करने में यानी दबाने में जो अपराइजिंग हो रही थी उसको खत्म करने में जिन्होंने मदद की, उनकी लॉयल्टी को, वफादारी को रिवॉर्ड दिया जाएगा और ऐलान किया गया कि दैट दे आर अडॉप्ट राइट टू अडॉप्ट हेयर वुड बी रिस्पेक्टेड, कि अगर वो कोई उत्तराधिकारी अपनाते हैं तो उसको हम रिस्पेक्ट करेंगे एंड द इंटीग्रिटी ऑफ देयर टेरिटरीज गारंटेड अगेंस्ट फ्यूचर एनेक्सेशन, और उनका जो टेरिटरीज है ना उसको फ्यूचर में बता दिया गया, दे दिया गया कि भाई नहीं एनेक्स किया जाएगा, गारंटी दी गई। क्वेश्चन नंबर 34 है कि इन विच ईयर डिड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टेक प्लेस, आजादी की पहली लड़ाई कब हुई, तो दैट वॉज इन 1857।
अब है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन। देयर वेर मेनी कॉजेज ऑफ फॉर द अपराइजिंग ऑफ 1857। इन दिस कॉन्टेक्स्ट स्टेट द फॉलोइंग। अब बहुत सारे कारण थे अपराइजिंग के 1857 के, तो इसमें से कुछ आपको बताने हैं। सबसे पहला है पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। अब नीति थी आर्थिक शोषण की। द लैंड रिवेन्यू सिस्टम दैट इज जमींदारी, रेतवारी, महलवारी इंट्रोड्यूस बाई ब्रिटिश रिड्यूस द पीजेंट टू माइजरी एंड पॉवर्टी। अभी जो लैंड रिवेन्यू सिस्टम था ना, जमींदारी, रेतवारी, महलवारी, जिसको कि इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर्स ने, इसने पीजेंट को लाके खड़ा कर दिया माइजरी पे और गरीबी पे, पॉवर्टी पे। पुअर पीजेंट हैड टू सेल देयर प्रोड्यूस एट चीप प्राइसेस इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ मनी लेंडर, जमींदार एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल। जो गरीब किसान थे बेचारे, उनको सस्ते दामों में बेचना पड़ रहा था वो सेटिस्फाई करने के लिए। लालच, जो लालच था किसका, मनी लेंडर का, देनदार का था, जमींदार का और गवर्नमेंट ऑफिशियल का, उनके लालच को पूर्ण करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए इनको जो है सस्ते में सब कुछ बेचना पड़ रहा था। ब्रिटिश टर्न द इंडियन सेल्फ सफिशियंट इकोनॉमी इंटू एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सेल्फ सफिशियंट इकोनॉमी जो थी, यानी खुद से सब कुछ पैदा कर लेना, अपने से सब कुछ कर लेना, वैसी आर्थिक जो व्यवस्था थी हिंदुस्तान की, उसको एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में बना दिया। इंडिया बींग एन एक्सपोर्टर ऑफ फाइन क्लोथ बिकेम द इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। अब इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा था फाइन क्लोथ को, अब वो इम्पोर्टर हो गया फिनिश्ड गुड्स का इंग्लैंड से जो आ रहे थे, अब उनको लेना ही था, अब वो भी नॉमिनल जो है कि रेट, नॉमिनल चार्ज भी, या फिर जो है कि ड्यूटी फ्री, नॉमिनल ड्यूटी भी या फिर ड्यूटी फ्री लेना था इंग्लैंड वाले जो भेज रहे थे अपना सामान। हैंडीक्राफ्ट वेयर क्रिपल्ड अंडर द पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड। हैंडीक्राफ्ट वगैरह को बिल्कुल खत्म कर दिया गया, पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड लाया गया। तो एज विलियम हंटर वंस रिमार्क दैट 40 मिलियन इंडियंस गो थ्रू लाइफ ऑन इनसफिशियंट फूड। और विलियम हंटर ने एक बार रिमार्क किया था कि 40 मिलियन लोग जो हैं जा रहे हैं, गुजर रहे हैं इनसफिशियंट फूड, यानी कि उनके पास सफिशियंट खाना पीना मौजूद नहीं है। दूसरा है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये भी बहुत बड़ा कारण था अपराइजिंग में, यानी कि जातिवाद के हिसाब से जो है कि भेदभाव करना, हम आपसे ऊपर है, हम आपसे नीचे है, वो हमसे अलग है। द ब्रिटिशर्स बिलीव दैट दे वेयर सुपीरियर टू द इंडियंस। ब्रिटिश बिलीव करते थे कि हम लोग हिंदुस्तानियों से आगे हैं। दे फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ कॉन्टेम्प्ट टुवर्ड द इंडियंस। वो एक पॉलिसी अपना रहे थे, नीति अपना रहे थे हिंदुस्तानियों के खिलाफ। दे डब द मुस्लिम्स एज क्रूएल एंड अनफेथफुल। उन्होंने डब किया, बता दिया कि भाई ये बात फैला रहे थे, ये बात वो डब कर रहे थे कि भाई जो मुसलमान है वो क्रूअल होते हैं और भरोसे के लायक नहीं होते हैं। सम ऑफिसियर्स और कुछ जो यूरोपियन ऑफिसर थे ना, उन्होंने जो है कि इंसल्ट किया हिंदुस्तानी सोल्जर्स को, इंडियंस को। सच एक्ट ऑफ अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन एलिनेटेड द ब्रिटिश फ्रॉम द इंडियन मासेस। और इस तरह का जो अन्याय कर रहे थे, वो भेदभाव कर रहे थे, इससे जो है इंडियन मासेस से जो है ब्रिटिशर्स ने अपने आप को अलग कर दिया और अलग हो गए वो, और इससे वो अपने आप को साबित भी करना चाह रहे थे कि भाई हम अलग हैं। सोशल कॉजेस, अब सामाजिक कारण क्या थे कि सम ऑफ द सोशल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश इन इंडिया वेयर एम्ड एट इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ द पीपल। कुछ सामाजिक बदलाव ऐसे थे जिससे ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हम जो है हिंदुस्तानियों का कंडीशन बदलेंगे। However, while introducing such reform, feeling of the people were not taken into consideration. अब इस तरह का कोई इंट्रोडक्शन अगर आप ला रहे हो तो आपको कंसिडर करना चाहिए हर किसी की फीलिंग वगैरह, तो इसमें फीलिंग वगैरह कंसिडर नहीं की गई। द रिजल्ट वॉज दैट इवन द एबोलिशन ऑफ सती इन 1829 एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ विडो रीमैरिज एट 1856 वेयर नॉट वेलकम बाय द मासेस। अब भाई किसी को कंसिडर ही नहीं किया, कानून पास कर दिया तो जिसको जो है लोगों ने वेलकम नहीं किया। पहले ना जागरूकता फैलानी चाहिए थी, उसके बाद इस पे कानून लाना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर टू है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंट्री प्रोड्यूस डिसकंटेंट। अब जो आर्थिक शोषण हो रहा था उससे लोगों में नाराजगी आई, गुस्सा आया और रेजिस्ट किया लोगों ने अमंग द पीपल दैट कल्मिनेटेड इन द ग्रेट अपराइजिंग। और इसकी वजह से जो है कि इसने आग में घी डालने का काम किया अपराइजिंग में 1857 के। एग्जामिन दिस फैक्टर विद द रेफरेंस टू द फॉलोइंग। अब इन सारे फैक्टर्स को आपको एग्जामिन करना है। पहले फैक्टर दिया हुआ है द रुइन ऑफ ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट, बर्बादी ट्रेड की, व्यापार की और हैंडीक्राफ्ट की। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1600 एज अ ट्रेडिंग कंसर्न। 1600 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था ट्रेडिंग कंसर्न के लिए। सून आफ्टर 1668 इंडियन टेक्सटाइल बिकेम सो पॉपुलर इन इंग्लैंड।
1668 के बाद इंडियन टेक्सटाइल बहुत पॉपुलर हुआ इंग्लैंड में, दैट एन एक्ट वॉज पास इन 1720 प्रोहिबिटिंग द यूज ऑफ इंडियन सिल्क एंड कैलिकोस इन इंग्लैंड, और पास कर दिया गया एक्ट की 1720 में कि प्रोहिबिट कर दिया जाएगा कि यूज ऑफ इंडियन सिल्क और कैलिकोस इंग्लैंड के अंदर. द ब्रिटिश डेलिबरेटली क्रिपल्ड इंडियन हैंडीक्राफ्ट, और इससे जो है कि ब्रिटिश ने डेलिबरेटली बहुत ही अच्छे से जो है क्रिपल कर दिया इंडियन हैंडीक्राफ्ट को, बर्बाद कर दिया. क्या किया इन्होंने, इम्पोज किया हैवी ड्यूटी इंडियन सिल्क के ऊपर और कॉटन टेक्सटाइल के ऊपर. एक तो वहां पे भाई प्रोहिबिट कर दिया कि कोई इंडिया का सिल्क वगैरह इस्तेमाल नहीं करेगा, दूसरा जो है इंडियन सिल्क के ऊपर हैवी ड्यूटी लगा दिया और कॉटन टेक्सटाइल के ऊपर इंग्लैंड में. ब्रिटिश गुड्स वेयर इम्पोर्टेड इनटू इंडिया एट अ नॉमिनल ड्यूटी, अपना खुद का प्रोडक्ट ला रहे हैं एकदम सस्ते में बिना नॉमिनल ड्यूटी पे या फिर ड्यूटी फ्री. द आर्ट ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग बिकेम एक्सटिंक्ट, और इसकी वजह से जो आर्ट था ना वीविंग का वो धीरे धीरे बिल्कुल गायब हो गया क्योंकि मशीनरी वालों से कॉम्पेट करना बहुत ही मुश्किल था. बी है इम्पॉवरिशमेंट ऑफ द कल्टिवेटर, अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, जो कल्टिवेटर्स हैं उनके लिए लोगों ने दिक्कत पैदा की. अब यहाँ पे दिक्कत क्या हुआ कि कंगाल कर दिया इन्होंने कल्टिवेटर्स को. अब भाई कल्टिवेटर जो है कंगाल हो गए अंडर द लैंड रिवेन्यू पॉलिसी ऑफ इंग्लिश, लैंड रिवेन्यू नीति जो आई थी ना उसके अंडर में ये लोग कंगाल हो गए. बी इट परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल एंड बिहार, रेतवारी सिस्टम इन बॉम्बे और मेलवारी सिस्टम, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द नेट प्रोड्यूस वॉज क्लेम्ड एज लैंड रिवेन्यू. अब परमानेंट सिस्टम था चाहे कोई सिस्टम था, रेतवारी महलवारी आधा प्रोडक्ट ये लोग बताते क्लेम करते थे कि भैया लैंड रिवेन्यू में जाएगा. बैड मॉनसून ब्रॉट फेमाइन एट दैट फर्दर इंक्रीज द पॉवर्टी ऑफ द पीजेंट, अब ये जो बुरे मौसम आए ना बैड मॉनसून, बारिश वारिश का ना होना, सूखा पड़ना, इन सब चीजों की वजह से अकाल आ गया, फेमाइन मतलब अकाल आ गया, और जो गरीबी है भुखमरी और बढ़ गई. अनेबल टू पे लैंड रिवेन्यू, अभी अपना लैंड रिवेन्यू नहीं दे पा रहे थे. द फार्मर्स विल ड्राइव इन मोर एंड मोर इन टू द क्लचेस ऑफ मनी लेंडर, अभी जो किसान है ना धीरे धीरे चंगुल में फंसते जा रहे थे देनदारों के. वॉट कुड इम्पॉवरिश आस्क्ड अदर मैन ड्राइविंग द इंग्लिश आउट ऑफ इंडिया, अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता था कि कंगाल कर सकते थे ये इंग्लिश मैन इंडिया को. अब इसके बाद देखते हैं थर्ड, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी टू ब्रिटिश इंटरेस्ट, मेकिंग इंडियन एग्रीकल्चर कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश कैपिटलिज्म. अब इंडिया को जो है ना एग्रीकल्चर कॉलोनी बना दिया गया था ब्रिटिशर्स की तरफ से. द इंग्लिश सबऑर्डिनेटेड द इंडियन इकोनॉमी टू द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश ट्रेड एंड इंडस्ट्री, अब ये सबऑर्डिनेट कर रहे थे, अब ये बता रहे थे क्या बोना है क्या नहीं बोना है. अब ये क्यों बता रहे थे, क्योंकि इनको जो चाहिए था ये वही बोने पे मजबूर कर रहे थे. इंडियन इंडस्ट्री बिगेन टू डिक्लाइन बिकॉज हैवी ड्यूटीज वेयर इम्पोज्ड ऑन द इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल, हिंदुस्तान की इंडस्ट्रीज बर्बाद होने की कगार पे आ गई क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी टैक्स लगा दिया इन्होंने सिल्क के ऊपर और कॉटन टेक्सटाइल पे. द इंग्लिश एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एंड पोल्ड इनटू इंडिया लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड, जो इंग्लिश थे एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल इंडिया से और पोर करते थे इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किया हुआ इंग्लैंड का सारा सामान. इन शॉर्ट इंडिया वॉज रिड्यूस टू एन एग्रीकल्चर कॉलोनी, आप शॉर्ट में कहो तो इंडिया को रिड्यूस कर दिया गया था एग्रीकल्चर कॉलोनी की तरह. हर ट्रेड एंड कॉमर्स बिगेन टू बी कंट्रोल्ड एंड डोमिनेटेड बाई इंग्लिश, अब इनका जो भी व्यापार था जो भी रोपना था बोना था वो सारा का सारा कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर थ्री है, द ग्रेट आउटब्रेक ऑफ 1857 ब्रॉट अबाउट इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द कैरेक्टर ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, जो आउटब्रेक हुआ 1857 में जो विद्रोह हुआ इसकी वजह से बहुत से इंपॉर्टेंट बदलाव आए है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बदलाव आए हिंदुस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में और फ्यूचर डेवलपमेंट में इस हिंदुस्तान के, तो आपको डिस्कस करना है. तो पहला है कि द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया, क्या बदलाव इंट्रोड्यूस किए गए एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में ब्रिटिश टेरिटरीज का जो था हिंदुस्तान के अंदर उसमें. द वॉर एंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया, आउटब्रेक से पहली चीज तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया. द एक्ट ऑफ 1858 ट्रांसफर्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम कंपनी टू द क्राउन, अब 1858 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ट्रांसफर हो गया कंपनी टू द क्राउन से. सेकेंडली जो ब्रॉड कंट्रोल था बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उनको समाप्त कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया. देयर पावर वेयर ट्रांसफर्ड टू द
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनका पावर ट्रांसफर कर दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, हु वॉज टू बी असिस्टेड बाई इंडियन काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ 15 मेंबर। और ये सेक्रेटरी कौन असिस्ट करेगा, सेक्रेटरी को एक्सिस्ट करेंगे इंडियन काउंसिल, और इंडियन काउंसिल कितने मेंबर रहेंगे, 15 मेंबर। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज टू ड्रॉ सैलरी एंड अलाउंसेस फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफ इंडिया। अब ये जो 15 लोग मेंबर हैं, इनमें जो सेक्रेटरी रहेगा, सेक्रेटरी की सारा खर्च कहाँ से आएगा भाई, रेवेन्यू ऑफ इंडिया से ही आएगा। थर्डली अपॉइंटमेंट टू द सिविल सर्विसेज वेयर मेड बाई ओपन कॉम्पिटिशन। अब जो है खुला कॉम्पिटिशन होगा इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए। लास्टली गवर्नर जनरल रिसीव द एडिशनल टाइटल ऑफ वॉइस रॉय। और सबसे आखिर में गवर्नर जनरल ने जो है टाइटल रिसीव किया वॉइस रॉय का। तो ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए। फिर नेक्स्ट आर्मी में क्या चेंजेस आए, तो द इंडियन आर्मी वॉज रीऑर्गेनाइज आफ्टर 1858 टू प्रिवेंट रीऑकरेंस ऑफ द अपराइजिंग। अब यहाँ पे जो है ना कि जो हिंदुस्तान की जो आर्मी थी उसको फिर से रीअरेंज किया गया, रीऑर्गेनाइज किया गया। द स्ट्रेंथ ऑफ द यूरोपियन ट्रूप्स इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर ट्रूप्स था उनका जो नंबर था वो जो था इंक्रीज किया गया 65,000 से लेके 65,000 कर दिया गया। द नंबर ऑफ इंडियन ट्रूप को 140,000 किया गया, यानी कि ये यूरोपियन को बढ़ा रहे हैं और इंडियंस के जो नंबर है उनको घटा रहे हैं, ताकि ये एश्योर हो सके कि कोई दिक्कत परेशानी ना आए। यूरोपियन ट्रूप्स वेयर केप्ट इन की ज्योग्राफिकल एंड मिलिट्री पोजीशन। अब जहां जो मेन पोजीशन वगैरह होता है ना वहां पे जो है इनको रखा जा रहा था, किनको, यूरोपियंस वालों को। द अर्लियर पॉलिसी ऑफ एक्सक्लूडिंग इंडियन फ्रॉम द ऑफिसर स्कोप वॉज स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड। अब ऑफिसर स्कोप वगैरह जहां पे मतलब सारा सामान वगैरह रखा जाता है, उन सब चीजों से बिल्कुल हिंदुस्तानी सिपाही को दूर रखा जाता था। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रीजन एंड रिलीजन वॉज प्रैक्टिस्ड इन द रिक्रूटमेंट टू द आर्मी। अब जो जो भेदभाव था ना कास्ट के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे और धर्म के बेसिस पे, ये सब प्रैक्टिस किया जा रहा था जब आर्मी में ये लोग रिक्रूट कर रहे थे बंदों को। द चेंजेस इन द रिलेशनशिप विद द प्रिंसली स्टेट। अब जो प्रिंसली स्टेट के साथ रिश्ता था उसमें भी बदलाव आया। क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर्ड इन हर प्रोक्लेमेशन, अपना घोषणा जो उसने किया उसमें इसने बताया 1858 वाले में कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड नॉट एनेक्स द इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट को वो कब्जा नहीं करेगी। सेकेंडली ऑल द ट्रीटीज दैट प्रिंसेस हैड कंक्लूडेड विद द कंपनी वुड बी ऑनर्ड, जो भी ट्रीटी वगैरह वो जो कंक्लूड करते हैं उसका मान सम्मान किया जाएगा। थर्डली दे आर राइट टू एडॉप्शन एंड सक्सेशन वॉट्स टू बी ऑर्गेनाइज, चलो भैया जिसको अपनाते हो जिसको तुम लोग गोद लेते हो हम लोग मानेंगे उसको, वो रिकॉग्नाइज करेंगे। एट द सेम ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कॉल पॉसिबल स्टेप टू रेंडर इंडियन स्टेट्स मिलिट्री वीक बाय लिमिटिंग देयर नंबर ऑफ ट्रूप्स। अब इन सब के साथ साथ सारे पॉसिबल स्टेप लिए गए और इंडियन और वो जो मिलिट्री थी मिलिट्री में भी जो है ना हिंदुस्तानियों का जो नंबर था उसको लिमिट कर दिया गया, रेशियो मेंटेन करना शुरू कर दिया इन्होंने। क्वेश्चन नंबर फोर है कि ऑल्दो द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 फेल्ड इट हैड इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इंडिया। अभी देखो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 फेल किया लेकिन फिर भी बहुत सारे प्रभाव हुए पड़े इंडिया में। इस कॉन्टेक्स्ट में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ डिड द अपराइजिंग गिव राइज टू द नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म की भावना मतलब वननेस की भावना, भाई एक ही कंट्री शेयर कर रहे हैं, एक ही तरह का कल्चर शेयर कर रहे हैं, ट्रेडिशन शेयर कर रहे हैं, तो ये वाली नेशनलिज्म की भावना। तो किस तरह से जो ये अपराइजिंग थे 1857 वाली, किस कैसे इसने जन्म दिया नेशनलिज्म इन इंडिया को। अ फार रीचिंग इफेक्ट ऑफ द राइजिंग ऑफ 1857 वाज द सैक्रिफाइस ऑफ द इंडियन लीडर्स गिव बर्थ टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। फार रीचिंग इफेक्ट दिया, जो राइजिंग हुई थी 1857 में जो कुर्बानियां दी गई थी इंडियन लीडर्स ने, उसने जो है जन्म दिया नेशनलिस्ट मूवमेंट को हिंदुस्तान के अंदर। ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सारा सेक्शन सोसाइटी के अंदर जो सारा सेक्शन था, यानी गरीब अमीर हर तरह के लोग, कास्ट क्रीड सब कुछ देखते हुए, वो सब एक झंडे के नीचे आ गए, एक मोटो के नीचे आ गए, एक उनका उद्देश्य एक हुआ। नाना साहेब एंड रानी ऑफ झांसी बिकेम नेशनल हीरोज एंड चैंपियन ऑफ द नेशनल फ्रीडम। अब आजादी की लड़ाई के लिए जो ये जो है नाना साहब और ये रानी लक्ष्मीबाई जो है कि हीरोज बन गए, चैंपियन हुए। द वॉर बिकेम अ सिंबल ऑफ चैलेंज टू द माइटी ब्रिटिश पावर, जो सबसे सुप्रीम माना जाता था माइटी ब्रिटिश पावर,
उसके लिए एक सिंबल बन गया ये लड़ाई, अपराइजिंग। नेशनलिज्म का मतलब होता है, देखो यहाँ दिया है, पेट्रियटिज्म, अर्ज टू प्रिजर्व वंस कल्चर, अपना कल्चर वगैरह प्रिजर्व करना। और क्लियरली ये जो है एविडेंट है आफ्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और ये सारी भावना जो है ना जागी फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कह रहा हूँ, ये पहला जो अपराइजिंग था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बाद। तो इसके बाद देखो इसमें हमको वही कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं। तो दूसरा है कि हाउ डिड द एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल बीइंग इन ग्रेव इकोनॉमिक पेरिल्स इन इंडिया। अब यहां पे बोल रहा है कि ये जो किस तरह से जो एंड हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसने किस तरह से एक खतरनाक गड्ढे में लाके खड़ा कर दिया हिंदुस्तान को। आंसर क्या है कि इन द वर्ड्स ऑफ मजुमदार, मजुमदार के वर्ड्स में, इंडिया बिकेम द फील्ड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन नॉट ऑफ अ सिंगल ट्रेडिंग कंसर्न बट ऑफ द एंटायर ब्रिटिश पीपल। अब हिंदुस्तान जो है फील्ड बन गया था शोषण का, और ना सिर्फ एक सिंगल ट्रेडिंग कंसर्न था अब बल्कि इंटायर ब्रिटिश के लोग अब जो है इसका शोषण चाहते थे। रिक्रूटमेंट ऑफ इंग्लिश इन बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक लार्ज ड्रेन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज। अब इंग्लिश मेन का जो भर्ती होने लगा प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में, तो इससे जो है कि कंट्री का बहुत सारा रिसोर्सेज वगैरह खत्म होने लगा, जैसे सेक्रेटरी वगैरह उन्होंने बैठा दिया था भाई, वो भी रेवेन्यू से ही चलेंगे 15 मेंबर्स के साथ। इंडिया वॉज रिड्यूस्ड ओनली टू एन एग्रीकल्चरल कॉलोनी एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टिंग फिनिश्ड गुड। इंडिया को रिड्यूस कर दिया गया एग्रीकल्चर कॉलोनी से, कि भाई बना दिया गया एग्रीकल्चरल कॉलोनी की भाई जो हम बनाएंगे वही तुमको जो हम बताएंगे वही तुमको बोना है, वही तुम काटोगे और हम ही को दोगे। रैपिड राइज इन इंडेबटनेस ऑफ द पीजेंट रिड्यूस देम टू पॉवर्टी एंड स्लेवरी। और रैपिडली बहुत सारा कर्ज आ गया इनके ऊपर, किसानों के ऊपर, जिसकी वजह से वो पॉवर्टी में और गुलामी में मुब्तला हो गए। फिर थर्ड वाला है कि स्टेट हाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड टू पेसिफाई द फीलिंग ऑफ इंडियंस विद रिगार्ड टू देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस और प्रिंसली स्टेट। तो भाई यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि किस तरह से शांति स्थापित करने की कोशिश की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और इनकी जो भावना थी कैसे इनकी भावना को शांत किया धार्मिक प्रैक्टिसेस से और प्रिंसली स्टेट वाला, दो रीजन देना है। तो देखो पहला जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे उसमें क्वीन विक्टोरिया ने अपने घोषणा पत्र में बता दिया 1858 में कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे विद द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द पीपल। सेकेंड क्वीन ने प्रॉमिस किया कि ट्रीटमेंट सबको इक्वल मिलेगा चाहे इंडियन हो चाहे यूरोपियन हो, और सारा अपॉइंटमेंट जो है एजुकेशन के एबिलिटी के ऊपर, एजुकेशन और एबिलिटी के हिसाब से होगा सिविल सर्विसेज में। नेक्स्ट है प्रिंसली स्टेट के लिए क्या किया गया कि पॉलिसी एनेक्सेशन की और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की इसको समाप्त कर दी गई, और कुछ इंडियन स्टेट्स जो रॉयल थे लास्ट तक, जिन्होंने जो है अपराइजिंग को खत्म करने में मदद की थी, उनके लॉयल्टी को रिवॉर्ड किया गया, अनाउंस किया गया कि जिसको चाहे उसको उत्तराधिकारी अपना लो हम मान लेंगे, और उनको गारंटी दी गई कि आपका टेरिटरी वगैरह फ्यूचर में एनेक्स नहीं किया जाएगा। लास्ट है ये क्वेश्चन थर्ड सेक्शन में, पिक्चर स्टडी में एक ही क्वेश्चन है, तीन पार्ट है इसमें, कि इस पिक्चर को स्टडी करना है और बताना है। पहला है कि आइडेंटिफाई द पर्सन इन द पिक्चर एंड नेम द प्रोक्लेमेशन, क्या आप इस पिक्चर में जो थोबड़ा दिख रहा है ये किसका है और कौन सा घोषणा इन्होंने किया था। तो ये पर्सन जो दिख रहा है ये कोई और नहीं क्वीन विक्टोरिया है, और इस प्रोक्लेमेशन को क्वींस प्रोक्लेमेशन कहते हैं। When, where and by whom was this proclamation made public? Public को कब सुनाया गया ये proclamation जो Queen Victoria ने किया था? तो 1 नवंबर 1858 को अलाहाबाद में Lord Canning जो first Viceroy of India है उसने Queen के proclamation को जो है सुनाया, पहली बार public किया। The Queen's proclamation incorporating the transfer of governance from East India Company to British Crown was made public। अब इसमें यही ऐलान किया गया कि जो East India Company है उससे जो है directly अब ट्रांसफर हो रहा है ब्रिटिश क्राउन को गवर्नेंस पावर। अच्छा लास्ट है कि व्हाट एश्योरेंस डिड प्रोक्लेमेशन गिव टू द इंडियन पीपल, फिर से आ गया। पहला वो रिलीजियस फ्रीडम के अकॉर्डिंग क्या इन्होंने प्रोक्लेमेशन लिखा हुआ था, उसमें प्रोक्लेमेशन में क्या लिखा हुआ था रिलीजियस फ्रीडम के लिए, और अपॉइंटमेंट टू पब्लिक ऑफिसर्स। तो रिलीजियस फ्रीडम के लिए लिखा हुआ था कि प्रॉमिस किया गया कि हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे आपके धार्मिक बिलीफ में, और दूसरा कि प्रॉमिस किया गया कि सबको एक तरह से माना जाएगा चाहे इंडियन हो चाहे यूरोपियन हो, और सारे अपॉइंटमेंट वगैरह डिक्लेयर किए गए कि सारे अपॉइंटमेंट वगैरह जो लिए जाएंगे वो एजुकेशन और एबिलिटी के बेसिस पे लिए जाएंगे, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कास्ट ग्रेड के हिसाब से। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा।
और नहीं भी क्लियर हुआ होगा तो कम से कम ये आपकी मदद करेगा क्वेश्चन आंसर लिखने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।